जनता दल कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर बात करने के लिए हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के दो महारथी प्रवक्ता राजीव जी और नीरज जी मौजूद हैं। नीरज जी, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि आवश्यकता क्या आन पड़ी, वर्किंग प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में शानदार जीत हासिल हुई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, चूँकि उनके पास बहुत सारे सरकारी दायित्व भी हैं तो पार्टी के वही अध्यक्ष रहेंगे। रूटीन वर्क के लिए उन्होंने माननीय संजय झा जी को ही दायित्व दिया है, क्योंकि वो दिल्ली में ज़्यादा अब रहेंगे, राज्यसभा में संसदीय दल के नेता भी हैं, तो स्वाभाविक है पार्टी ने अपेक्षा की है कि भाई आप उस दायित्व को संभालिए। और सर्वसम्मति से पार्टी के साथियों ने स्वीकार किया, कोई उनके परिवार के नहीं हैं, नीतीश कुमार जी के, उनके जाति के नहीं हैं, लेकिन तब पर भी नीतीश कुमार जी भरोसा करते हैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर। यही नीतीश कुमार जी को राजनीति की भीड़ में अलग करता है। जी, इंडिया गठबंधन की तरफ दोबारा चले जाएंगे क्या, उस पर विराम लग गया आज की बैठक के बाद? इंडी गठबंधन वाले बड़ी तड़पते हैं, बहुत तड़पते हैं, लेकिन बहुत देर हुआ नंदलाला। जब हमने इस गठबंधन बनाने की शुरुआत की थी तो हमारे ऊपर हम आँख तरेरते थे, 43 MLA की पार्टी, लेकिन राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूमती है। आज भी हमारे बारे में यह दावा 24 में किया जा रहा था कि नीतीश कुमार जी फिनिश। अब स्थिति यह हुआ कि जो हमको कहते थे वो 4 की राजनीतिक अर्थी पर सवार होकर चल पड़े। जी, और राजीव बाबू, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का हमेशा से यह डिमांड रहा कि आप स्पेशल स्टेटस लेकर के रहेंगे। अब आज ऐसा लग रहा है आपके प्रस्ताव को पढ़ करके कि आप स्पेशल पैकेज से भी संतुष्ट हो सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की भी बात की है और स्पेशल पैकेज की भी बात की है। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में कोई कठिनाई है तो स्पेशल पैकेज के जरिए भी बिहार में विकास के बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। और ये सच है कि नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार ने कामयाबियाँ लगातार गढ़ी है, लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या बड़ा स्पेशल पैकेज मिलता है तो निसंदेह इससे विकसित राज्य होने का जो हमारा संकल्प है उसे पूरा करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आपको ये लगता है कि आप लोगों ने समझदारी दिखाई है, सामने वाला जो है उसे भी थोड़ा सा बचने का रास्ता दिया है, स्पेशल स्टेटस न मांग करके, उस पर जिद न करके आर्थिक पैकेज से ही काम चला लेंगे? देखिए, एक दूरदर्शी राजनेता के लिए एक राज्य का विकास सबसे पहली ज़रूरत होती है, और नीतीश कुमार जी ने ये साबित किया है अपने 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में, और ख़ास करके बिहार के 20 वर्ष, बिहार को जिन ऊंचाइयों पर उन्होंने पहुंचाया है उसके बाद भी वो मानते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जहां से आगे निकल पाने के लिए जो लंबे समय से बिहार के साथ जो दोहरे मानदंड अपनाए गए, चाहे वो फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी की वजह से जो बिहार को आर्थिक नुकसान हुआ, औद्योगिकरण जो हो सकता था वो नहीं हुआ, पंचवर्षीय योजनाओं में जो बिहार के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार हुआ, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में जो एक असंतुलन बिहार के साथ रहा, राज्य का बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद जो परिस्थिति थी, निसंदेह बिहार को मदद की ज़रूरत थी, संसाधनों की एक बड़े खेप की ज़रूरत। अब उस दिशा में ये प्रस्ताव मार्ग प्रशस्त करता है और हमें विश्वास है NDA की सरकार में विकास के पर लगेंगे और बिहार को जो उसका वाजिब हक है वो मिलेगा। हमारे साथ संजय झा हैं, राज्यसभा सांसद और जनता दल यूनाइटेड के नए वर्किंग प्रेसिडेंट। ये सृजन जो हुआ है पद का, संजय जी, और आप वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, आपको क्या लगता है, आप तो पार्टी के साथ बहुत दिनों से हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? नहीं, बाहर भी बहुत जगह जाना होता है, अन्य प्रदेशों में, और मुख्यमंत्री जी ने एक जिम्मेवारी दी है, एक बड़ा जिम्मेवारी है जो उन्होंने भरोसा जताया है, और उनके भरोसों पे खरा उतरना ये प्रयास रहेगा। उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर दी है। आपने लगातार प्रधान मुख्यमंत्री के साथ काम किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जो कम्युनिकेशन था उसमें आपने बहुत अहम भूमिका निभाई, आपको लगता है कि वो जो एक फैक्टर था वो आपके लिए सबसे ज़्यादा? नहीं, वो कोई बात नहीं, हम लोग तो हमेशा काम करते ही रहे पार्टी में, हर एक समय सबको कोई ना कोई जिम्मेवारी दी जाती है, और अभी ये जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, आगे झारखंड का भी चुनाव है तो अन्य जगह जा करके चुनाव लड़ना
पार्टी का आधार बनाना, ये भी एक प्रयास रहेगा। सर, प्रस्ताव से मेरा सवाल ये है कि एक मांग आप लोगों की हमेशा स्पेशल स्टेटस की रही थी, विशेष राज्य का दर्जा, आप लोगों ने अथवा उसमें लगाया और आर्थिक ऐसा है कि ये सब है पर्पस बिहार को मदद मिले जी, वर्ड पे मत जाइए, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। और जो फाइनेंस कमीशन है उसने विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के कुछ टिप्पणी की है, शायद उसको हटा दिया। तो हम लोगों का है कि बिहार को मदद मिले, टर्म जो भी उसके लिए हो, विशेष राज्य हो, विशेष पैकेज हो, जो हो, बिहार अपने बलबूते यहाँ तक आया है, इसके आगे मदद मिले, ये प्रयास। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।